सिनेमा शो में आज बात सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की, जिसका पोस्टर आया है। बताएंगे परमानेंट रूममेट्स के नए सीजन को कब से देख सकेंगे। रणवीर रश्मिका की एनिमल के नए गाने पर भी बात होगी और जानेंगे कॉफी विद करण 8 में इस बार कौन कौन आने वाला है। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। डीसी यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में वंडर वुमन बनने वाली एक्टर गैल गैडोट, सुपरमैन बनने वाले हेनरी केवल और बैटमैन बनने वाले बेन एफ्लेक जैसे एक्टर्स आने वाली सुपर हीरोज फिल्मों का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। सुमित व्यास और निधि सिंह की मशहूर सीरीज परमानेंट रूममेट्स के तीसरे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। इसे 18 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का पहला गाना आ गया है। हुआ मैं को राघव चैतन्य और प्रीतम ने गाया है। सुबह ही रिलीज हुए इस गाने को खबर के लिखे जाने तक करीब 20 लाख से ऊपर व्यूज मिल चुके हैं। आमिर खान ने आखिरकार अपनी कमबैक फिल्म अनाउंस कर दी है। न्यूज 18 के एक इवेंट में उन्होंने बताया कि वो सितारे जमीन पर नाम की फिल्म में काम करने वाले हैं। नेहा धूपिया ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। वो एक फैमिली ड्रामा फिल्म में दिखाई देंगी। हालांकि फिल्म किस बारे में होगी, कब रिलीज होगी, क्या प्लॉट होगा, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। अक्षय कुमार ने OMG 2 की OTT रिलीज पर बात की। उन्होंने कहा फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका अनकट वर्जन क्यों नहीं रिलीज किया गया। मैंने कहा नहीं, उसे नहीं रिलीज किया जाना चाहिए, हमें सेंसर बोर्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिलन लूथरिया ने विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर के सीक्वल पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म का दूसरा पार्ट बनेगा तो मिलन बोले नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उस फिल्म को वो सब कुछ दे चुका हूँ जो वो फिल्म डिजर्व करती थी। वो बहुत स्पेशल फिल्म है जो स्पेशल टाइम पर बनी थी, अब वैसा कुछ भी नहीं बन सकता। टाइगर 3 से सलमान खान का पोस्टर आ गया है, जिसमें सलमान अपने स्कार्फ में दिखाई दे रहे हैं। लोग इस पोस्टर को काफ़ी पसंद करें। एक यूजर ने लिखा 600 नहीं बल्कि 700 करोड़ आने वाला है टाइगर के सिर्फ हिंदी वर्जन से। एक ने लिखा हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर लोडिंग। एक ने कहा सलमान खान ही असली हीरो हैं, वो इस फ्रेंचाइज फिल्म से इतिहास बनाएंगे। एक ने कहा पोस्टर देखकर ही पता चल रहा है कि फिल्म के एक्शन का स्केल और लेवल क्या होने वाला है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होगी। विशाल की फिल्म मार्क एंटोनी डिजिटल रिलीज होने वाली है। इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर 13 अक्टूबर से देख सकेंगे। रवि तेजा की फिल्म राउडी राठौर और किक का हिंदी रीमेक बना था। उन्होंने रीमेक पर बोलते हुए अब कहा कि आजकल के समय में रीमेक्स का कोई मतलब नहीं, आजकल हर भाषा में फिल्में रिलीज हो रही हैं तो रीमेक बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। आफ्ताब शिवदसानी साइबर फ्रॉड के शिकार बन गए। एक्टर के पास एक बड़े निजी बैंक से KYC अपडेट को लेकर एक मैसेज आया, जिसकी वजह से उन्हें 1.5 लाख रुपए की चपत लग गई। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 में इस बार सारा अली खान और अनन्या पांडे नजर आएंगी। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इस सीजन में द आर्चीज के कास्ट सुहाना खान, अगस्त नंदा और खुशी कपूर भी आएंगे। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। जाते जाते एक फिल्म सजेस्ट करेंगे, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक केस पर काम कर रहे जासूस के साथ धोखा होता है। अभय देओल, विनय पाठक और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज एक्टर से सजी इस फिल्म का नाम है मनोरमा 6 फीट अंडर। कहानी एक लड़की मनोरमा की है जो अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जासूसी करवाती है, मगर अंत में पता चलता है कि जासूस के साथ भी बहुत बड़ा धोखा होता है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह उपलब्ध है, इसे देख डालिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।